आप लोग डायरेक्ट लोकसभा ही लड़ने लगे और ना आपने अभी तक बीडीसी लड़ा है, ना प्रधानी लड़ा है, ना जो है जिला पंचायती लड़ा है, ना विधायकी लड़ा, डायरेक्ट सांसदी, डायरेक्ट दिल्ली जाना है, डायरेक्ट दिल्ली जाना है। हमें माननीय मोदी जी चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन गए, तो हम भी सोचे कि हम सब्जी बेच रहे तो हमको भी जनता लाइक करे, हम सांसद हों, यहाँ का विकास करें। जब तक किसान और सब्जी बेचने वाले का सरकारी देश में नहीं बनेगी तब तक हमारा देश सोने का चिड़िया नहीं कहलाएगा। मैं हूँ गाजीपुर लोकसभा में हूँ और ये जंगीपुर मार्केट है और यहाँ के एक निर्दल प्रत्याशी हैं जो सब्जी की दुकान आप देख सकते हैं, ये सब्जी की दुकान किए हुए हैं लेकिन इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं क्योंकि इन्होंने निर्दल अपना नामांकन किया हुआ है यही गाजीपुर 375 लोकसभा से। आइए हम बात करते हैं इनसे कि आखिरकार इन्होंने कितनी बार चुनाव में अपना भाग्य आजमाया है और इस बार जो है पूरे चर्चा का विषय बने हुए हैं क्योंकि इन्होंने लोकसभा चुनाव में अपना नामांकन किया हुआ है इसी गाजीपुर लोकसभा से। थोड़ा सा आ जाइए नेताजी, आप नेताजी भी हैं और सब्जी की दुकान पर बैठ कर ये सब्जी बेच रहे हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका? सुनील कुशवाहा जी। तो आखिरकार आप जो है नामांकन किए हैं इसी गाजीपुर लोकसभा से, कैसे मन में आ गया कि अब जो है सब्जी बेच रहे हैं, आप किसान हैं और फिर जो है आप नेता भी बन गए? सर हमारे दिमाग में पहले से, हम सेवा करते हैं जनता की, पहले से हम चुनाव लड़ने के लिए जंगीपुर ये नगर पंचायत का चुनाव हम लड़ने के लिए पर्चा भरना चाहते थे लेकिन आज तक बीजेपी ने हमें कभी टिकट नहीं दिया। हाँ इसलिए भाजपा से ही टिकट चाहिए था, बीजेपी से हमें टिकट चाहिए, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, इसलिए करके मेरे दिमाग में ऐसी बात आई कि मैं इस बार लोकसभा ही लड़ूंगा और गरीबों, मैं सब्जी बेचने वाला गरीब हूँ, गरीबों के दुख दर्द को मैं समझता हूँ, बड़े लोग की कोई किसी के दुख दर्द को समझेंगे नहीं, इसलिए हमारी इच्छा ये हुई कि भाई ऐसा मैं करूँ, मैं चुनाव लड़ूँ कि गरीबों के लिए, किसानों के लिए जो आज तक स्थितियाँ बनी हुई हैं यहाँ पर, गरीबों के बारे में कोई नहीं सोचता है, तो अपने कोई भी स्कॉर्पियो से आया उतरा किसी को पहचाने का नहीं। नहीं तो आप लोग डायरेक्ट लोकसभा ही लड़ने लगे और ना आपने अभी तक बीडीसी लड़ा है, ना प्रधानी लड़ा है, ना जो है जिला पंचायती लड़ा है, ना विधायकी लड़ा, डायरेक्ट सांसदी, डायरेक्ट दिल्ली जाना है, डायरेक्ट दिल्ली जाना है। हमें कुछ करना है, हमें पूरे जिले के लिए कुछ करना है। हाँ हमारी तमन्ना है कि हम पूरे जिले के लिए कुछ ऐसा कर जाएं कि जिला पूरा, जब तक हमारे मरने के बाद भी वो लोग याद करेंगे कोई एक हमारा सांसद हुआ था, निर्दल प्रत्याशी सांसद हुआ था यहाँ से। कितना वोट मिल जाएगा आपको? हमें बहुत वोट मिलेगा, हम जीतेंगे चुनाव। जीत रहे हैं? हम चुनाव जीत रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं, जनता हमारे साथ है, जनता ही हमारी भगवान है। यहाँ बड़ी बड़ी पार्टियां लगी हुई है, बड़े बड़े प्रत्याशी हैं, चार चार गाड़ियां लेके घूम रहे हैं और आप सब्जी बेच रहे हैं, कह रहे हैं जीत हम सब्जी बेच रहे हैं, सब्जी बेच कर ही सबकी सेवा करते हैं। हाँ सब्जी बेच कर ही सबकी सेवा करते हैं, सबकी दिलों की धड़कन है। तो जानेंगे लोग तभी तो वोट देंगे आपको, जानता कौन है? बहुत लोग जानते हैं, जहाँ भी आप पूछेंगे सब लोग पता है सबको, गाजीपुर जिले में सब लोग जानते हैं कि सुनील कुशवाहा कोई है, सब्जी वाला है जी। नामांकन आपने कब किया? नामांकन मैंने 13 तारीख को किया। अच्छा जी, कल किया मैंने नामांकन 13 तारीख को। ब्यौरा वगैरह देना होता है, संपत्ति वगैरह का सब दिए? सब मैंने दिया, ब्यौरा वगैरह जो भी उसमें था पूरा मैंने दिया। हाँ। जी उसमें पैसा खर्चा होता है, पैसा कहाँ से आए? पैसा हम सब्जी बेचते हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं, हमें पैसा हम लगाएंगे वही भाई, मेहनत करते हैं। हाँ। गरीब इंसान है, इससे क्या मतलब हुआ कि हम सेवा नहीं करेंगे जनता की? जनता की सेवा के लिए लड़ रहे हैं हम परिश्रम करते हैं, परिश्रम करेंगे इतना कि हम पूरी गाजीपुर की जनता हमारे सबके लिए दिलों की धड़कन बने, सब लोग ऐसा चाहें कि हम यहाँ का सांसद होकर आए, सबके लिए इतना विकास करेंगे, विकास अभी तो परिश्रम, अभी तो परिश्रम अपने लिए कर रहे हैं ना, सब्जी बेच रहे हैं, दुकान पे बेच रहे हैं, बाद में जनता के लिए परिश्रम करेंगे ना हम, कब करेंगे? अभी जनता के पास अब जा ही कहाँ रहे हैं आप, तो सब्जी बेच, आज भाई सब्जी बेच रहे, अभी आए हैं गाजीपुर से। अच्छा अभी वो कल हमारा फोटो छूट गया था, वही एसडीएम साहिबा के यहाँ फोटो देकर अभी आए हैं, अभी आकर बस बैठ गए दुकान पर। अरे भाई रोजी रोटी पहले से हमारी यही है, यही हमारी जान पहचान है, इसी को सब जान कर सुनील कुशवाहा, सुनील कुशवाहा हुआ है पूरे क्षेत्रों में, यहाँ से 40-50 किलोमीटर की दूरी में आप कहीं भी पूछेंगे सुनील कुशवाहा को लोग जानते हैं। आप चर्चा का विषय बने हुए हैं कि आप सब्जी वाला बनेगा सांसद गाजीपुर में। जी जी कितने वोट से जीत रहे हैं? हम इस समय 50,000 से कम जीत रहे हैं। भाजपा यहाँ लड़ रही है, सपा लड़ रही है,
और उधर बसपा लड़ रही है जी, सब लड़ रहे हैं। ठीक है, सब लड़ रहे हैं, सभी दलों, सभी दलों से हमें नहीं कुछ करना। हम अपने पे विश्वास है, हमारे यहाँ जनता पे विश्वास है। अच्छा। हाँ, हमारे पूरे जितने किसान भाई लोग हैं आज के डेट में, यहाँ पर न यूरिया की व्यवस्था है, न खाद की व्यवस्था है, कम वजन आ रहा है। अब ये सब हमें देखना है। अगर हम सांसद होते हैं यहाँ के, तो हम इन लोगों की लड़ाई लड़ेंगे, इन लोग के लिए सब कुछ करेंगे, इन लोग की लड़ाई लड़ेंगे, किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। एक भी विधानसभा में आप घूमे हैं गाजीपुर के? गाजीपुर के विधानसभा में अभी तक हम चले नहीं हैं, अब चलेंगे। अच्छा जी, कितना समय रह गया है? कितने समय में चलेंगे? 15 दिन का समय, 15 दिन चलेंगे। सात को विधानसभा, सातों विधानसभा हम जाएंगे, सातों विधानसभा हम जाएंगे। हाँ। जी अच्छा अच्छा, ये लोग हैं आपके साथ खड़े, ये लोग वोटवा देंगे कि बस खड़े पूछ लिया? हाँ बताइए, वोट देंगे कि खाली खड़े हैं साथ में? क्यों नहीं देंगे भाई, हम तो ये खुश है कि अगर सब्जी बेचने वाला किसान का बेटा इस तरह से पार्लियामेंट में जाएगा तो हमारा देश जो भारत था वो असली भारत बन जाएगा। तो अब तक तो पूंजीपतियों की ही सरकार है, पूंजीपति लोग पार्लियामेंट में जा रहे थे। हम तो इनको बधाई देंगे, कम से कम सब्जी वाला बेचारा हिम्मत तो लगा कि मैं भी पार्लियामेंट में जा सकता हूँ। और संविधान में नियम है कि कोई भी भारत का नागरिक हो, चाहे उसकी रोजी रोटी कुछ भी हो, लेकिन वह राष्ट्रपति तक भी चुनाव लड़ सकता है, उसके लिए कहीं रोक टोक नहीं है। आप ये मत आके, आप भी मीडिया के भाई हैं कि इनको ये मत करिए, इनको साबसी दीजिए। रही बात जनता की, तो हार जीत अलग बात है, लेकिन ऐसे भी इनको मैं साबसी देता हूँ कि कम से कम हिम्मत तो लगाया कम से कम। और आने वाले समय में देखिए यही परिवर्तन होगा, पूंजीपति लोग चले जाएंगे। आज जब तक किसान और सब्जी बेचने वाले का सरकार ही देश में नहीं बनेगी, तब तक हमारा देश सोने का चिड़िया नहीं कहलाएगा। देखिए, लोकतंत्र में सबका अधिकार है, और इन्होंने हिम्मत किया है, और हिम्मत करके इन्होंने गाजीपुर लोकसभा से पर्चा दाखिला कर दिया है, अपना नामांकन कर दिया है। और नामांकन करने के बाद जो है इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं सुनील कुशवाहा। हाँ जदा जी, क्या लगत है, ये इनके कुछ वोट मिली कि ना? ये देखिए, हम लोग दुख सुख में काम आते हैं। अच्छा। कभी भी कोई भी रात बिरात को कोई भी काम पड़ता है, मुसीबत वाला, तो खड़े हो जाते हैं। इसलिए हम लोग इनको वोट करेंगे, वोट करेंगे, वोट करेंगे। हाँ भैया, सपा का गमछा लगाए हुए हैं आप, तो सपा ही हैं। अरे इनके साथ काम करें? अरे भैया, ये अमंग भाई हुआ, चाचा हुआ, मोहल्ला का हुआ, सपा गमछा लगे ले दिल में हुआ, फिर भी ये अपने साथ हुआ। हाँ, वोट दी है कि खाली कहे ना भैया, कहे का मतलब घर में जो नोट बा 10 गो 11 गो, वही में से इनहू के दिया, उनहू के दिया, दोनों जानी के देखल जी। ऐसा थोड़े ना कि इनके ना देखल जी, उनके ना देखल जी, दोनों जानी के दिया भैया, पूरा एकदम समर्थन के साथ। हाँ, साथ है, साथ है। अच्छा, जीत के आते हैं नेताजी, तो सबसे पहला काम बताइए क्या करेंगे? सबसे पहला काम बताइए जो आपको लग रहा है कि नहीं ये चीजें होना चाहिए इस गाजीपुर में। हमको जीत के आने के बाद पहला काम ये होगा कि यहाँ पर विश्वविद्यालय नहीं है। इसके लिए पहले मैं सरकार, और जिसकी सरकार रही भाई, हम तो निर्दल हैं, जिसकी सरकार रहेगी उसके साथ जाएंगे चुनाव जीतने के बाद, आज जनता के लिए काम करेंगे। तो पहला हमारा ही रहेगा, पहले विश्वविद्यालय बने यहाँ पे। जीतने से पहले ही आप बता दिए कि जीत कर सरकार के सरकार में चले जाना ही पड़ेगा भाई। अब हम अगर नहीं जाएंगे तो काम नहीं होगा जनता का। अच्छा। जनता का विकास नहीं होगा। अच्छा। हमको कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, भाजपा से टिकट मांग लेते हैं? भाजपा से टिकट कैसे? हम भाजपा से मांग रहे थे, टिकट कहाँ मिला भाजपा से हमें? भाजपा ने टिकट कहाँ दिया हमको? तो भाई, हमें विकास कराने के लिए हम इसलिए चुनाव लड़े कि अगर चुनाव जीतते हैं तो हम सीधे जिसकी सरकार बनेगी, कोई जरूरी भाजपा की सरकार है, भाजपा की आ सकती है, कांग्रेस की आ सकती है। मतलब निर्दल जीत के अब जिस जो सरकार बनेगी उसे काम कराएंगे भाई। हमें काम कराना है, हमें काम पर विश्वास है, हम काम के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, हम जनता की सेवा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, गाजीपुर के विकास के लिए चुनाव लड़ रहे हैं कि हम गाजीपुर का विकास जितना कर सके। डर नहीं लग रहा है? डर नहीं लग रहा है, काहे का डर लगेगा, लेकिन मरना ही मरना है आज, नहीं तो कल हमें मरना ही मरना है। अगर कोई ऐसा आएगा तो गोली ही मारेगा ना, इसके सिवा क्या कर सकता है? बहुत करेगा, मार डालेगा, और क्या कर सकता है? क्यों डरेंगे हम? हम जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, क्यों डरेंगे? अगर जनता के लिए लड़ाई नहीं तो हम डरते? हमारी पूरी हमारी अपने दिल और जान से इतना हम हिम्मत बनाए हुए हैं कि हमें कोई गोली भी मारेगा तो हम जनता के लिए नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, हम यहाँ का जनता हमारी भगवान है, जनता हमको वोट करेगी, अगर उस लायक हमको समझेगी तो जनता हमको वोट करेगी। कैसे चलेंगे यहाँ पर? गाड़ियाँ लगी हुई हैं प्रत्याशियों के पास? हम हमारे पास जो व्यवस्था है उसी चलेंगे हम। गाड़ियाँ कितनी भी लगे, जनता के दिल में जगह होना चाहिए, गाड़ियाँ चलने से नहीं होगा। वोट करने वाला इंसान चाहिए, वोट करने वाला चाहिए। इतने लोग साथ में है, इनके कह रहे हैं कि साथ में है, एकदम साथ में है, वोट देंगे खाली साथ में खड़े। अरे एकदम फंगे आई जाए उनकी। हाँ, पूछना चाहिए, आधा बेल्ट एकदम ले लाइल खींच के। हाँ,
चलिए नेता जी हमारे साथ थे सुनील कुशवाहा जी, जो इसी गाजीपुर के जंगीपुर में इनका छोटा सा दुकान है और इसी दुकान पर ये बैठते हैं। और मंडी में भी आपकी दुकान जी? मंडी में आड़त है हमारे, पूरे किसानों की सब्जी हमारे पास आती है। अच्छा, हाँ पूरे 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूरी की सब्जी आती है, सबका बेचता हूँ। तो व्यापारी हैं? व्यापारी हैं। आप भी तो व्यापारी हैं, कह रहे हैं कि हम किसान हैं। अरे भाई तो हम व्यापारी हैं, किसान भी हैं, व्यापारी भी हैं। अच्छा। किसान हमारे पास है तो हम किसानों के सबका सामान बेचते हैं, किसानों का होलसेल का काम हमारा है, किसानों के लिए हम काम करते हैं। किसान हमारे पास आते हैं दूर दराज से, यहाँ के 40-50 किलोमीटर की दूरी तक किसान हमारे पास आते हैं, किसानों के लिए हित में काम करते हैं। ऐसा क्या लगा आपको कि हमको चुनाव लड़ना चाहिए? हाँ नेताजी, ऐसा क्या लगा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए? अब सरकार सही काम नहीं कर रही है? सरकार सही काम कहाँ कर रही है, नौकरियाँ अभी तक इतना जो फार्म निकल रहा है नौकरी तक नहीं मिल पा रही हैं, और यहाँ की जनता त्रस्त है, यहाँ पर कोई ऐसा कल नहीं है, कारखाना नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है गाजीपुर में। हम इसके लिए चुनाव लड़ रहे हैं कि हम सांसद हो तो ऐसा कुछ कर जाएं कि लोग हमारे न रहने पर भी याद करें, कोई हमारे माननीय मोदी जी चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन गए तो हम भी सोचे कि हम सब्जी बेच रहे तो हमको भी जनता लाइक करे, हम सांसद हों, यहाँ का विकास करें। हाँ मतलब मोदी जी को कहा जाता है कि चाय बेचते हुए वो प्रधानमंत्री बन गए तो अब जो है सब्जी बेचने वाला सांसद तो बन ही सकता है। जी जी है ना जी, सांसद तो बन ही सकता है सब्जी बेचने वाला। सब्जी वाला क्यों नहीं बन सकता, सांसद का प्रधानमंत्री भी बन सकता है। जब चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो सब्जी वाला क्यों नहीं बन सकता। चलिए चलिए नेताजी को लोग सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, हालांकि अभी तो कल ही नामांकन किए हैं, अभी सब्जी बेच रहे हैं, लेकिन अब जो है जाएंगे प्रचार करने के लिए गांव में। जी जाएंगे गांव प्रचार करने के लिए, कल से निकलेंगे गांव प्रचार करने के लिए। चलिए हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है कि इन्होंने हिम्मत किया कि नहीं, एक इन्होंने दिखा दिया कि नहीं एक सब्जी बेचने वाला भी वहाँ पर नामांकन कर सकता है और लड़ सकता है जनता के लिए, लोगों के लिए। और एक कह भी रहे हैं कि अगर हम सांसद बनते हैं तो जनता के लिए काम करेंगे, यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तमाम विकास की बात कर रहे हैं, जैसा कि मतलब जो नेता लोग चुनाव से पहले करते हैं वादे, इस तरह ये भी वादे कर रहे हैं। अब जनता इनको कितना सपोर्ट करती है ये तो देखने वाली बात होगी। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।